फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्जी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये सब्जियाँ ले ली हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमारे पास पालक है। तो पालक को हमने अच्छी तरह से धोकर जो है वो कटिंग कर लिया है। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है, 1 किलो पालक है। इसके बाद ही हमारे पास जो है मेथी है, मेथी को भी हमने अच्छी तरह से जो है धोकर जो है वो कटिंग किया है। 1 किलो मेथी, 1 किलो पालक। इसके बाद हमारे पास है गाजर, गाजर हमने ली है 1 पाव के करीब। इसको यूं पीसेस कर लिए हैं। और आधा किलो मेरे पास आलू हैं, ये भी सारी सब्जियां धोकर कटिंग कर ली हैं। मटर हैं आधा किलो के बराबर जो है वो मटर के दाने, ये देखें। तो फ्रेंड्स, प्याज हमने यहाँ पर जो है वो कटिंग करके रख ली है। 2 अदद बड़े साइज के प्याज हैं, इसको अभी हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट है, तो ये भी यूज़ करेंगे। टमाटर की प्यूरी है, 1 प्याली ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 खाने के चम्मच। तो अभी इसमें नमक मिर्च भी ऐड करेंगे। अभी ये सारी सब्जियां मैंने आपको दिखाई हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैं अब हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, आधी प्याली के बराबर जो है वो कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। तो इसको हम प्याज को ब्राउन करते हैं। प्याज देखिए हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं, 2 खाने के चम्मच लिया था। इसके साथ ही इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, हरी मिर्चें इसके अंदर जाएंगी। ये भी मैंने 2 खाने के चम्मच लिया है, वरना ज़्यादा स्पाइसी हो जाना था। नमक मिर्च तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे, टमाटर का पेस्ट। मेरी सब्जी ज़्यादा है इसलिए मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। ये देखें, हम इसमें नमक मिर्च ऐड करते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसमें, इसको फिर फ्राई करेंगे, अच्छा सा भून लेंगे। अभी इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, तो मैं ये ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून के बराबर मैंने लिया है। 1/2 टेबल स्पून के बराबर ही हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा कोरिएंडर पाउडर, 1 चाय का चम्मच के बराबर। इसमें जाएगा टर्मेरिक पाउडर 1/2 टेबल स्पून के बराबर। तो फ्रेंड्स, ये इंग्रेडिएंट्स भी हमने इसमें ऐड कर दिए। अब इसको मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। तो मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, फिर इसमें हम सब्जियां ऐड करेंगे। मिक्स वेजिटेबल्स बहुत मज़ेदार बनती हैं और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। सर्दियों की ये बहुत ही मज़ेदार सी सब्जियाँ हैं, जो खाने में बहुत ही मज़े की लगती हैं और इनके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। इसको फ्राई करते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। और बात मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी आप हरी सब्जियां बनाते हैं, हरे पत्तों वाली सब्जियां, जैसे ये मेथी है और ये पालक है, तो जब भी आप इनको बनाएं तो इसमें नमक जो है वो कम यूज़ करें, क्योंकि हरे पत्ते वाली सब्जियों में नमक जो है वो ऑलरेडी होता है, कुदरती तौर पर इसमें नमक जो है वो होता है। तो इसको जब बनाते हैं तो अपने खाने में जो है वो नमक का कम इस्तेमाल करें, वरना नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो रही है। आप देखें कितनी अच्छी लग रही है। मैंने इसके अंदर जो है वो टमाटो प्यूरी ऐड की है। तो अभी बस ये फ्राई हो जाए तो फिर इसके अंदर जो है हम सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मसाला अच्छा सा फ्राई हो गया, ये देखें ऑयल इसके अंदर से अलग हो गया है। तो अभी इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पालक ऐड करेंगे। अब हम इसमें मेथी ऐड कर देंगे, ये देखें अभी ये मेथी डाल दी इसमें। इसके बाद हम इसमें मटर ऐड करेंगे। ये मटर हमने लिए हैं, ये देखें। इसके बाद ये 2 सब्जियां और रह गई हैं, ये हम गाजर और आलू इसके अंदर डाल रहे हैं। तो अब सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अभी इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। ये देखें कितनी अच्छी, कितनी फ्रेश लग रही हैं सारी सब्जियां, इनके कलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी हम इनको फ्राई करेंगे
इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, सब्जियों का अपना पानी निकलेगा उसके अंदर ही, ये जो है सब्जियां पक जाएंगी। तो इसको मिक्स करके ढक देते हैं तकरीबन जो है वो 7 मिनट के लिए, 7 से 8 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको रखा था तकरीबन 10 मिनट के लिए। अभी ये कितनी अच्छी जो है वो हो गई है, ये देखें पानी इसके अंदर से निकल आया है। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसी पानी में ये पकेंगी सब्जियां। तो अभी हम इसको दम पे रखेंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं मैंने इसमें डाला। सब्जियों का अपना पानी निकल आता है, मेथी का और पालक का अपना पानी निकलता है। तो इसी को दम पे बनाएंगे हम, फ्राई फ्राई सी रखेंगे इसको। भुनी हुई सब्जी बहुत मज़े की लगती है ये। तो इसको मज़ीद जो है वो रख देते हैं 10 मिनट के, सॉरी 5 मिनट के लिए दम पर रखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई है, कितना अच्छा कलर आया है इसके अंदर, बिल्कुल रेडी हो गई है। आलू भी जो है वो गल चुके हैं, ये देखें बहुत अच्छी तरह से सारी सब्जी जो है वो पक गई है। अब इसको फ्लेम ऑफ करके हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सालन जो है मिक्स सब्जी बनकर तैयार हो गई है। कैसी लग रही है हमारी रेसिपी, आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कभी ट्राई नहीं की तो ज़रूर इसे ट्राई करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि कैसी लगी है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।